तो जी हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स एंड वी हैव अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट हूज विद अस इन द कार एंड समवन हु रियली लव्स मैकडॉनल्ड्स स्पेशली देयर आइस क्रीम. एक सेकंड, पहले बैक स्टोरी दे दूं. आज जो पीटीआई वाला जलसा हो रहा है या लॉन्ग मार्च है जो भी है, तो इस्लामाबाद पूरा बंद है हर जगह पे. बेसिकली देयर इज नो यू नो वी डोंट इवन नो कि रास्ते खुले भी हैं या नहीं. तो हम तुक्का मार रहे हैं, कम्प्लीटली तुक्का. हो सकता है लग जाए, हो सकता है ना लगे. तो अगर लग गया तो हम आइसक्रीम खा लेंगे, अगर नहीं लगा तो फिर हम फंस जाएंगे ट्रैफिक में, वापस आ जाएंगे. तो हमारे साथ है कौन, जरा आपको दिखाते हैं. आपको मिलवाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर से, जिनको कार राइड्स बहुत पसंद है, मैकडॉनल्ड्स और भी ज्यादा पसंद है, और मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मिल जाए तो फिर तो बस बात ही खत्म हो गई. से हेलो तो वो जरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है फिलहाल बाहर की ताजी हवा में और इस्लामाबाद एक्सप्लोर करने में. और आपको अभी जरा हम ये भी अपडेट देंगे कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुंची और हम ट्रैफिक में फंसते हैं कि नहीं फंसते. लॉन्ग मार्च का क्या स्टेटस है आपको अभी बताते हैं. जी, हम कश्मीर हाईवे की साइड पे आए एंड वी वर ट्राइंग टू गेट आउट. तो यहाँ तो जी ये पूरे ये हार ही नहीं लग रही, लॉन्ग मार्च वाले लग रहे हैं कि सारे यहीं पे हैं और ये पूरा कश्मीर हाईवे ब्लॉक पहुंच गई है. तो अभी तक कश्मीर हाईवे, ये कश्मीर हाईवे पे ही है. तो ये जी आप देख सकते हैं वो सारा कश्मीर हाईवे. यहाँ भी रिवर्स लेना पड़ेगा यार. जी ये देखिए लाइव अपडेट्स 1 बजे हैं और ये फैनेटिक्स हैं माशाल्लाह सच सपोर्टर्स. तो जी ये बेसिकली ये देखिए जी. ओके जी, ये कुछ ज्यादा जमा हुए हैं. पता रास्ता है भी कि नहीं, ये क्या है, ये तो पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है यार, ये पूरा रोड ब्लॉक किया. नाउ आई जस्ट रियली होप कि हम वापसी पे भी पहुंच जाएं. या ओके, हम आ गए हैं कश्मीर हाईवे पे. ये जस्ट बाय द वे टू वे बन चुका है और ये देखिए माशाल्लाह आइसक्रीम वाले भी फुल प्रॉफिट कमा रहे हैं. लव द एंथुसियाज्म, इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी विमेन आउट. तो अच्छा एक बात है, ये 5 लेन्स का एक रोड है जिसका ये हाल हुआ है. जो अब ये दो लेन ये लोगों ने कंटेनर लगाए थे, लोग कंटेनर के ऊपर बैठ गए एंड वो ऊपर क्रॉसिंग को देख रहे हैं. ये भी इधर राइट साइड ये देखिए, ये मुझे लग रहा है अम्यूजमेंट पार्क बन गया सारा. I think it's less of a long march and more fun. I'm loving the turnout though. Yeah, I just really hope कि हम घर भी वापस पहुंच जाएं. इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे यार, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये देख के. हाँ, रास्ता अगर बंद हुआ ना, तुम्हें वो याद है लास्ट टाइम हम थे एयरपोर्ट से, हम कराची से इस्लामाबाद आए थे और मौलाना फजल रहमान का जलसा था, ये पता नहीं लॉन्ग मार्च थी और मैंने रॉन्ग वे लिया और हम सही घर पहुंच गए. अगर मैं सही रूट पे चलता रहता तो हम कम से कम भी 6 घंटे बाद घर पहुंचते. मुनजी आपको कैसा लग रहा है जलसा, मुनी यू लाइकिंग द मार्च? ये पिकनिक भी हो रही है जैसे आप देख सकते हैं, ये साइड पे पिकनिक चल रही है, वो पिकनिक चल रही है. And people are having a great time. बच्चे भी यार. You can see people of all age groups out. जिंदाबाद, जिंदाबाद. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने पहली दफा इस्लामाबादियों को इस टाइम जाके में देखा है. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कसम से. अच्छा मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि यार मैं ना बड़ा नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, तो जो भी साइड मिलती है ना वहाँ पे मैं शुक्र मेले के लिए घुस जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. तो आई एम वेरी वेरी नॉन पॉलिटिकल एंड आई हैव नो से इन दिस जो भी हो रहा है. आई हैव हर्ड दैट वो लोग बी चौक पहुंच गए हैं. जो इमरान खान का जो काफिला है वो आगे नहीं पहुंच यार, तो आगे और लोग नजर आ रहे हैं. ये मुझे कुएं से लग रहा है कि यार ये पूरा जाम लग रहा है मुझे आगे. आई एम रियली ग्लैड कि हमें ये जो यू टर्न है ये खाली मिल गया है और हम अब यू टर्न मार रहे हैं, वरना तो ये गाड़ी रॉन्ग क्यों आ रही है. ये गाड़ी देखो रॉन्ग आ रही है. ओके आई थिंक आगे जाम है इसलिए गाड़ियां रॉन्ग आ रही हैं. सो आई रियली होप लग रहा होगा वहां से जाम नहीं आ रहा. आई रियली 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 होप
दैट वी गेट होम। या तो मुझे लग रहा है दिस वाज अ वेरी बैड आइडिया, देखो ये भाईजान भी आ गए। मैंने बोला था नहीं जाना, मगर हमारी पूनी को आइसक्रीम खानी थी और तुम्हें खाना खाना था पूनो। और हमारी किस्मत इतनी खराब है कि मैकडॉनल्ड्स भी बंद है और ये पेट्रोल पंप भी पूरा बंद है। खाना खाना था, अब हम नहीं जा सकते। अब हम जा रहे हैं घर, अभी हम देखते हैं किसी स्टोर पे, अगर कोई स्टोर खुला है तो नहीं को आइसक्रीम लेके देते हैं। खाना खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, अब आइसक्रीम तो बूनी को खानी थी। अभी कोई डिलीवरी भी नहीं करेगा, मैं तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ। आगे से रोड जाम लग रहा है मुझे। तो जी रोड ब्लॉक है बिकॉज आई थिंक कंटेनर्स लगे हुए हैं और मिट्टी डाली हुई रोड के बीचों, विच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड बिकॉज दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने दें, आप क्यों इतने इनसिक्योर हैं कि आपको इस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत पड़ी है। लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने दें। व्हाट आर यू सो कंसर्न्ड अबाउट एंड व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट? दिस इज नथिंग टू डू विद कि आप किसकी साइड पे हैं, मतलब डजंट मैटर कि आप इमरान खान की साइड पे हैं, नून लीग की साइड में, गवर्नमेंट साइड में, आई डोंट केयर। बट यार यहाँ पे अगर किसी एम्बुलेंस को जाना हो कैसे जाएगा, किसी की फ्लाइट हो जरूरी वो कैसे जाएगा? अब लोग ना ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अच्छा यार तो मतलब मुल्क की जो आगे बढ़ने वाली चीज़ है ना वो आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये ज्यादा जरूरी होते हैं लोगों की सेहत ज्यादा जरूरी है। सो यू नो इफ समबडी गेट्स एन हार्ट अटैक वो कैसे पहुंचेगा हॉस्पिटल? अनदर थिंग व्हिच वाज वेरी स्ट्रेसफुल दैट हैपेंड टुडे वाज कि आज प्लैब का एग्जाम था पीसी पिंडी में। फॉर पीपल दैट डोंट नो, प्लैब जो है वो जैसे यूएसएमएली होता है, यूएस में एंटर करने के लिए, यूएस में प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से प्लैब एक एग्ज़ाम होता है जो यूके के लिए होता है, सही है ना? एंड वो एग्ज़ाम था और ये क्या है, हम लोग ये मट्टी डाली हुई है इन्होंने, अब हम उसके ऊपर से चल रहे हैं। ये देखिए ये सारा इन्होंने रोड को ब्लॉक करने के लिए डाला हुआ है, हम अब उसके ऊपर से जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी क्लियर क्लियर, बट आगे भी जाम है, आई कैन सी। तो बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, प्लैब एक एग्जाम होता है जो यूके में प्रैक्टिस करने के लिए लोग देते हैं, लाइसेंसिंग के लिए बेसिकली, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड पीसी पिंडी में वो एग्जाम था जो कि कैंसिल हो गया। एंड फॉर पीपल दैट डोंट नो द बैक स्टोरी, बहुत ही कोई आम सी बात होगी, कैंसिल हो गया तो फिर से हो जाएगा, बट सिंस आई एम अ पर्सनल, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद द जर्नी, प्लैब कोविड के टाइम पे शदीद कैंसिल हो रहा था और फिर उसके बाद जब उन्होंने वापस से शुरू किया, एक तो प्लैब की सीट्स पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड हैं, आई थिंक एक 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 सेंटर है लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में, एंड इसी वजह से सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, लोग सालों कोशिश करते हैं सीट्स लेने की। आई हैव बिन ट्राइंग फॉर 2 ईयर्स और मुझे जाके इस साल नवम्बर की सीट मिली और वो भी पाकिस्तान में नहीं मिली। So people have been trying for years to get this exam, and इसके लिए qualify करने के लिए आपको एक English language का exam देना पड़ता है, जो जिसकी validity 2 साल होती है, और अब लोगों का वो भी cancel, वो भी exactly fee 80,000 होती है इस English language के exam की, OET जो होता है, और अब लोगों के वो भी expire होने वाले हैं, कि सालों से लोग कोशिश करें and आज वो exam cancel हो गया with no further notice। लोग हार्डली कोई इस्लामाबाद वाला एग्जाम दे रहा था, सारे लोग, मैं प्लैब के ग्रुप पे थी, मैं देख रही थी कि लोग बाहर से आए हुए थे, कराची से, डिफरेंट शहरों से आए हुए थे, ट्रेन्स पे बैठे हुए थे, जहाज़ों पे बैठे हुए थे, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आए हुए थे, एंड यहाँ पहुँच के एग्जाम से 4-5 घंटे पहले पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, एंड इट वॉज वेरी सैड। मुझे पढ़ के दुख हो रहा था बिकॉज आई न्यू वट दे वर गोइंग थ्रू, एंड देर इज़ नो फर्दर नोटिस कि अब एग्जाम कब होगा, अब उनको सीट कब मिलेगी। They're all obviously very worried and rightfully so, and I really really hope ki British Council, I really really hope ki British Council aur GMC jo hai wo jald unke liye kuch kare aur unka jaldi exam karaye isse pehle ki unka OET bhi expire ho aur unko aur mazid nuksan ho. I'm going to tell you guys ki political instability se ya political jo problems hoti hai na usse fayda kisko hota hai? Sirf politicians ko, isti awam hai, mehngai awam ke paas hai. Bruno piche ho तो महंगाई आवाम के पास आती है। इस तरह की देखिए कंटेनर्स यहाँ पे कंटेनर्स बंद लगे हुए हैं, ठीक है, पूरा रोड जाम है। अब हमें जो 5 मिनट का रास्ता है उसके लिए पता नहीं अब कितनी देर लगेगी, आगे जाते भी हैं या नहीं, और इन भाई को ज्यादा जल्दी है, तो ये होता है भाईजान। यार क्या हाल कर दिया है कश्मीर हाईवे का, मतलब ये कोई कच्चा रास्ता निकला है और पता नहीं क्या। गॉड, ब्रूनो, ब्रूनो,
बोलो दिस इज नॉट कूल मैन, उसको फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट कूल, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी, आई वांटेड माय आइसक्रीम, ही इज जस्ट यॉनिंग, या उसको नींद आ रही है। बूनो, मैं आपको घर जाके मैंगो शेक दूंगी, ओके? बूनो आल्सो लव्स मैंगो शेक लाइक हिज मामा। यार ये मामा पापा ना बोला करो, अभी ना लोग कमेंट्स में बहुत ज्यादा वो वॉरियर्स बन जाएंगे कि आपने कुत्ता रखा हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट, डोंट डू दैट, नॉट अ गुड आइडिया। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है इतना? मुझे नहीं पड़ता है, जस्ट यू नो यार। 1 hour later, तो डोमिनोज खुला हुआ है, हमें डोमिनोज खाना है? नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मेहमान रेस्टोरेंट से कुछ खाना है? नहीं। अच्छा, OPTP? That's the only option you have left now. OPTP का सोचा जा सकता है। और कुछ है भी नहीं। Beggars can't be choosers. Okay, can I have OPTP? I like the GMC burger. Are you sure? Yeah. Because you don't have a choice. Yeah. और कोई जगह खुली भी नहीं है और हम कहीं जा भी नहीं सकते, और अब तो मैं सुबह भी रिस्क नहीं लूंगा कहीं जाने की, बिकॉज दिस वॉज बैड। आइसक्रीम वहां से मिल भी जाएगी स्टोर से, और आइसक्रीम भी ले लेते हैं स्टोर से। ओके, OPTP, एक GMC बर्गर, एक स्मॉल गार्लिक में फ्राइज और एक डाइट ड्रिंक। हो गया तुम्हारा ऑर्डर। चिकन कटा दी तुमने मेरी। ओए क्या कर रहे हो? बूंदी शिकायत कर रहा था कि डैडी जो है मेरा शीशा बंद करके चले गए हैं, मैंने उसके लिए वापस खोला है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? बोन बोनो 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 इसको मस्ती चढ़ी हुई है। तो अगर आप लोग कभी ब्रूनो को देखें सड़क पे हमारे साथ, तो प्लीज इसको प्यार करने का अटेम्प्ट ना कीजिएगा, ही इज वेरी स्केरी एंड ही विल बाइट योर हैंड ऑफ, है ना ब्रूनो? आप बॉल बाउंस करेंगे और आपके साथ चला जाएगा ये। ये इसकी दांत देखिए, इसकी दांत देखिए, ये देखिए काटेगा ना, काट लिया ना इसने तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। या लेकिन वो अलग बात है ना, काटेगा नहीं, मतलब वही हाथी के दांत का। हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो बता दो कि घर जब आते हैं कोई तो मैं क्या करता हूँ। हाँ बस यही तरीका है हमें लोगों को डराने का ब्रूनो से, कोई आता है बोलते मुझे ये नहीं करो आपको काट लेगा, हमें जबरदस्ती दहशत फैलानी पड़ती है ब्रूनो की। ब्रूनो देखो डॉगी, इसका भी अब खेलने का मूड हो रहा है और ये भी फ्रेंडली डॉग लग रहा है। तो जी ये के लिए आइसक्रीम भी लेनी थी, वो भी ले लेते हैं, थिंक इससे काम चल जाएगा। आइसक्रीम ये देखिए। अच्छा सबर 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 सबर, देता हूँ देता हूँ। क्या है? ब्रूनो की आइसक्रीम मेरी कहाँ है? लाने थी। ओके हम कह देंगे ये देखें। यार ये कितना पागल है आइसक्रीम के पीछे, ये लो तुम्हारी पीस। बोलो मेरी आप अपनी खाओ। थैंक यू। कैन यू ओपन द डोर? थैंक यू। ये लो तुम्हारा कैलोरी ओवरलोड विद डाइट कोक टू बैलेंस इट ऑफ। अच्छा एक बड़ी फनी बात आप देख सकते हैं कि ये मैडम आइसक्रीम भी खा रही हैं, ये मैडम अभी बर्गर भी खाएंगी और फ्राइज भी, लेकिन पीने इन्होंने डाइट कोक एंड ये सारे ये जो चीजें हैं तो ये तो कोई डैमेज ही नहीं है। इन माय डिफेंस मैंने सुबह से सिर्फ आड़ू खाए हुए, तो और अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड आई हैव जस्ट हैड दोस पीचेस एंड आई ईट अराउंड 1800 टू 2000 कैलोरीज अ डे एंड दिस इज वेल विद इन दैट लिमिट। ओके नहीं यस नो यस स्टिल नॉट जस्टिफाइड। मैं छोटी हो रही ना तब फीस 15 रुपए की मिलती थी और हमें वो इतनी महंगी लगती थी। या cuz we used to get 10 रुपए 20 रुपए। अच्छा इतनी गरीब नहीं थी। नहीं गरीब नहीं, तुम ज्यादा बात के जमाने की हो ना। मैं थोड़ा नए जमाने और पुराने जमाने एक साल बड़े हो मुझसे। 2 साल क्या मतलब है इसका? 2 साल एक साल। आई एम 2 इयर्स ओल्डर देन यू। यू आर 1 ईयर ओल्डर देन मी। आई एम 2 इयर्स ओल्डर देन मी। देखना कैसे आएगा। आज बोलो Yeah, listen.
Can you watch some South Indian movie? Oh, I am. Just please. No. Please. No. तो अन्या वॉचेस दिस ऑल डे ऑल नाइट वर्किंग मॉम्स एंड पता नहीं क्या क्या शो. मैं साउथ इंडियन मूवी का बोल दूं तो माइंड चेंज हो जाता है. मैं तुम्हें दिखा रही हूं. तुम्हें जय भीम अच्छी लगी थी कि नहीं? मैं तुम्हें ये दिखा रही हूं. नहीं मैं दिखा रही ना. व्हाई शुड आई वॉच योर साउथ इंडियन मूवीज? cuz they're so nice. नो. एक वो भी थी रिटर्न ऑफ अभिमन्यु. कसम से यार बहुत अच्छी होती है. आई स्वेयर आई जस्ट वॉच देम अलोन. और ये खाना भी मैंने अपना गर्म करने के लिए रखा था. देखते हैं जरा हॉल. यार लुक्स फाइन. थोड़ा सा और क्रिस्पी करते हैं. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. अब होपफुली हो गया हो. थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्सचर मुझे जरा अच्छा लगता है. जरा प्लेट में डालूं. तुमने तो खाना खा लिया? नहीं. साथ खाएं? वाओ. सो ये क्या बनाया था तुमने? दिस इज अ पार्मेजान चिकन रैप. Parmesan chicken wrap. Okay. इसमें जो है tortilla, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा tomato puree लगाया. उसके अंदर फिर मैंने chicken डाली है, season करके उसको मैंने grill किया था. Parmesan cheese है, mozzarella cheese है और cottage cheese blend करके मैंने sauce बनाई थी वो है. Then it's wrapped up, brushed with a little oil and air fried. This is I do not remember, but I will tell you. This is about 560 calories. With protein, it is 81 grams of protein. तो चले जी, अनिया तो अपना शो देख रही है और मैं अपना खाना खा रहा हूँ. तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. दोबारा मिलते हैं. Until then, Allah Hafiz.